हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉकों पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। और दोस्तों इस स्टॉक में आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें 6% से एबव का रैली देखने को मिला है। और दोस्तों स्टॉक हमें डेप्ट फ्री भी देखने को मिल रहा है और इसका मिशन और विजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इस स्टॉक ने अभी तक हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है। दोस्तों बात करिए, जब स्टॉक की प्राइस हमें ओनली 500 के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने मिला था, वहाँ पे भी हमने वीडियो बनाकर डिस्कस किया था इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहिए। और दोस्तों यहाँ से इस स्टॉक ने अभी तक हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है और फ्यूचर में भी इसमें बहुत अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिलेगा। तो चलिए इस स्टॉक से हम सारे इन्फॉर्मेशन एक बार देखेंगे। दोस्तों ब्रिटिश कंसल्ट एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आज की ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने 6% से एबव का मुनाफा दिया है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे पिछली 1 मंथ का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो यहाँ पे हमें ओनली 4% के आसपास का मुनाफा देखने को मिल रहा है, जो कि ए बी फिगर अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा है। और दोस्तों बात करेंगे पिछले 6 मंथ का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो यहाँ पर हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा का फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों हम बात करेंगे पिछले 1 साल में इस स्टॉक में कितना परसेंट का मुनाफा दिया है, तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक में ओनली 8% के आसपास का मुनाफा का फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले 1 साल में इस स्टॉक में यहाँ पे काफ़ी उतार चढ़ाव शो किया है। और दोस्तों जब भी हमें इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिला था, आप लोगों से वीडियो बनाकर डिस्कस किया था, इस स्टॉक के ऊपर आप लोग फोकस बना के रख सकते हो, फ्यूचर के लिए स्टॉक हमें काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अभी तक इस स्टॉक ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है। अगर बात करेंगे यहाँ पे पिछली 5 ईयर के इसका प्राइस ग्राफ का, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे 650% के आसपास का मुनाफा हमें देखने को मिल रहा है पिछले 5 ईयर में, जो कि एवरी ईयर 100% से एबव का इस स्टॉक ने मुनाफा दिया है, जो कि आप लोगों के सामने में। और दोस्तों हम बात करेंगे सबसे अधिक दिनों का इसका प्राइस ग्राफ का, तो सबसे अधिक दिनों का फिगर भी हमें यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोग सामने में है। तो जिस तरीके से इस स्टॉक का यहाँ पे हमें यानी कि प्राइस का ग्राफ देखने को मिल रहा है, हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। और दोस्तों फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 2000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, स्टॉक फंडामेंटली हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। और दोस्तों स्टॉक हमें यहाँ पे अगर बात करें तो इसका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा खासा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ एफएल इंडिया के रिगार्डिंग, स्टॉक अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है और फ्यूचर के लिए भी स्टॉक हमें काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यहाँ पे हमें 15,747 करोड़ के आसपास का फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि बात करेंगे इसका यानी कि पी रेशियो का, तो यहाँ पे 65 के आसपास का देखने को मिल रहा है, जो कि इंडस्ट्री का पी रेशियो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है दोस्तों। हालांकि हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी का, तो यहाँ पे 28 के अप्रोक्सीमेट देखने को मिल रहा है, जो कि ये भी अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों बात करेंगे इसका फेस वैल्यू का, तो यहाँ पे हमें 2 रुपये देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे रेवेन्यू के रिगार्डिंग, तो जिस तरीके से इसका हमें रेवेन्यू का फिगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है आप लोग के सामने में, यहाँ पे देख सकते हो इस साल का सबसे हाईएस्ट यहाँ पे हमें रेवेन्यू का फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों पिछले 4 ईयर का यहाँ पे ग्राफ हमें देखने को मिल रहा है, एवरी ईयर कंपनी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से अभी तक रेवेन्यू शो किया है। हालांकि हम बात करेंगे प्रॉफिट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे प्रॉफिट का फिगर भी आप लोगों के सामने में इस साल का सबसे हाईएस्ट यहाँ पे हमें प्रॉफिट का फिगर देखने को मिल रहा है। और पिछले 4 ईयर का यहाँ पे ग्राफ है, एवरी ईयर कंपनी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से अभी तक प्रॉफिट का फिगर भी शो किया है दोस्तों। और दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे सेल्स के रिगार्डिंग, यहाँ पे सेप्टेम्बर क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा सेल्स का फिगर भी शो किया है, जो कि आप लोग के सामने में है। और दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे यानी कि प्रॉफिट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट का फिगर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। बात करेंगे यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे जिस तरीके से हमें
रिजर्व पंसप्स का फिगर यहाँ पे देखने को मिले काफी अच्छे खासा है। यहाँ पे पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल काफी इंक्रीमेंट के साथ में यहाँ पे हमें रिजर्व पंसप्स का फिगर देखने को मिला है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमें लॉन्ग टर्म ब्रोइंग का फिगर एकदम से जीरो फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट टर्म ब्रोइंग के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे भी एकदम से हमें जीरो फिगर देखने को मिल रहा है। यानी कि 100% कंपनी दोस्तों यहाँ पे डेब्ट फ्री भी है। और दोस्तों बात करें फिक्स एसेट का, तो यहाँ पे देख सकते हो फिक्स एसेट का फिगर भी यहाँ पे काफी अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बात करेंगे यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो यहाँ पे देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें फिगर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से इसका फंडामेंटल है फ्यूचर में, इसका प्राइस यहाँ से काफी आगे जाते हुए हमें देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पे हमें 60% के आसपास का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे DI का होल्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे 60% का हमें यहाँ पे DI का होल्डिंग भी देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से इसमें सारा का सारा स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हमें देखने को मिल रहा है, तो आप लोग इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। फ्यूचर के लिए स्टॉक हमें बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अगर इस स्टॉक में यहाँ से थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिलता है, तो इसका प्राइस हमें यहाँ पे यानी कि 1000 के आसपास में आते हुए देखने को मिलेगा। अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 2000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो, स्टॉक फ्यूचर के लिए काफी अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू, बाय।